हेलो दोस्तों, नमस्कार यार। फर्स्ट रेस 1200 मीटर्स फोर इयर्स ओल्ड एंड अब क्लास 5 की है। बॉटम क्लास है यार। और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप 2 हॉर्सेस, वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 4। पहले देखो यार, हॉर्स नंबर 4 देखो, लास्ट टाइम जो है फेवरेट था, सेम डिस्टेंस एंड सेम क्लास। लास्ट टाइम पी साई कुमार कुछ हो जॉई का नाम, लेकिन आज जो है जरवन को बिठाया है, तो उससे बेटर जॉगी है। लास्ट टाइम फेवरेट था, घोड़ा फ्रंट में भी जा रहा है एंड 0.5 जो है घोड़े पे कम भी हो रहा है। तो ये घोड़ा यार ज़रूर ट्राई करेगा ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। एंड हॉर्स नंबर 1 देखो यार, डिमोटी हॉर्स है, शू चेंज किया है, स्टील टू एल्यूमिनियम डाला है, 1.5/11 जॉगी को बिठाया है एंड जॉगी चेंज भी है लास्ट टाइम के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है यार फर्स्ट रेस में जो है 1 एंड 4 में रेस होगी, आप ज़रूर इस पर फोकस कर सकते हैं यार। सेकेंड रेस 1400 मीटर्स क्लास 4 5 ईयर्स ओल्ड एंड अप की है। और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप 2 हॉर्सेस, वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 4। देखो यार, हॉर्स नंबर 4 लेने की वजह ये है कि लास्ट 2 रन्स के बाद एक अच्छे जॉगी को बिठाया है, यस एंथोनी रॉज को इंगेज किया है ट्रेनर ने। तो यार ये बड़ा जॉगी है एंड ये डिस्टेंस को भी हॉर्स नंबर 4 जो है सूट होता है, तो मैं इसलिए हॉर्स नंबर 4 को दिया हूँ। एंड हॉर्स नंबर 1 यार टॉप इस रेट काट कर रेटिंग हॉर्स है एंड डिमोटी हो रहा है। डिमोटी होने के बाद 3.5/11 जॉगी को लिया है, तो मुझे लगता है यार ये दोनों में रेस होना चाहिए। तो आप सेकेंड रेस में 1 एंड 4 पे ज़रूर नज़र रखना दोस्तों, ओके। सॉरी यार, थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए वॉइस की प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना, ओके। यार थर्ड रेस 1600 मीटर्स क्लास 4 की है। और इसमें जो मुझे टॉप 2 हॉर्सेस समझ में आ रहे हैं, वो है हॉर्स नंबर 4 एंड हॉर्स नंबर 5। यार हॉर्स नंबर 4 देखो यार, ये पूना लास्ट टाइम भागा था तो इंटरफेरेंस हुआ है वहाँ जो है, ये फेवरेट था यार। एंड 1800 मीटर्स रन बेनिफिट है, माने लॉन्ग रन बेनिफिट भी है। और यश को निकाल कर जो है इमरान चिश्ती को बिठाया है, तो इमरान चिश्ती एक बेटर राइडर मैं मानता हूँ, यश से भी बेटर है अगर ये हिसाब से कंपेयर करें तो। तो मुझे यार तीसरी रेस में 4 नंबर तो घट लग रहा है डिस्टेंस वाइज एंड 0.5 जो है वेट भी कम हो रहा है हैंडीकैपिंग में। तो पहला ट्रम्स रेस में पार्टिसिपेंट किया है, उसके बाद 3 ईयर्स जो है ओल्ड में 1800 मीटर जाना घोड़े की ताकत बताता है। तो आप तीसरी रेस में 4 पे देखना एंड उसके ऑपोजिट में हॉर्स नंबर 5 दे रहा हूँ, क्योंकि यार देखो ये ऑलरेडी जो है 1600 मीटर जो है काफ़ी टाइम भाग चुका घोड़ा है, तो काफ़ी टाइम भाग रहा है, ऑन बोर्ड भी आ रहा है। लास्ट टाइम जो है जो पी साई कुमार बैठा था तो उसको ही रिपीट किया गया है। तो आप तीसरी रेस में 4 एंड 5 पे नज़र रख सकते हैं। चलो फोर्थ रेस यार 1200 मीटर्स क्लास 3 की है। और इसमें मुझे जो घोड़े समझ में आ रहे हैं टॉप 2 हॉर्सेस, वो है हॉर्स नंबर 6 एंड हॉर्स नंबर 7। यार मैं बॉटम दे रहा हूँ, हॉर्स नंबर 1 को नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है रेस टू रेस तो आप उस पर ज़रा नज़र रख सकते हैं, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहे हैं फोर्थ रेस में, वो है 6 एंड 7, क्योंकि यार ये लो वेट में आ रहे हैं एंड प्लेस ये बेंगलुरु रन बेनिफिट घोड़े हैं। तो बेंगलुरु रन बेनिफिट घोड़ों को यार इम्पोर्टेंट देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो ग्रासिंग होती है ट्रैक की, वो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड होती है। तो ये फ्रेंड भाग रहे हैं घोड़े, तो मुझे लगता है ये दोनों में रेस होना चाहिए। लास्ट टाइम देखो यार, असल हॉर्स नंबर 7 सेकेंड था, तो स्टेवर्ड्स ऑब्जेक्शन के बाद विन लिया है, तो घोड़ा जो है पिन पोजिशन थर्ड से ही मारा था। तो श्रीनाथ ही रिपीट हो रहा है हॉर्स नंबर 7 पे एंड हॉर्स नंबर 6 भी जो है वो फ्रेंटी जाने वाला घोड़ा है। तो मुझे लगता है यार ये दोनों में हो जाना चाहिए, तो 4th रेस 6 एंड 7 मैं दे रहा हूँ यार। फिफ्थ रेस 1200 मीटर्स 3 ईयर्स ओल्ड ओनली, यार ये टर्म्स रेस है, ओके, मिलियन से 7,92,000 का कप है। तो इसमें जो है पूरे बच्चे हैं यार, तो काफ़ी घोड़े फर्स्ट रन भाग रहे हैं एंड हॉर्स नंबर 6 को रन बिट बिट है,
तो यार मैं तो देखो सिर्फ ट्रैक बेस पे दे रहा हूँ, तो आप रेस टू रेस हॉर्स वेट देख लेकर ट्रैक चेक कर लेकर आप प्ले करना, लेकिन मुझे जो ट्रैक के हिसाब से जो समझ में आए हैं घोड़े वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 2, तो मैं ट्रैक बेस पे दे रहा हूँ। फिर और एक बार कहता हूँ, तो फिफ्थ रेस में 1 एंड 2 यार सिक्स रेस 1600 meters 4 years ओल्ड एंड ओवर 4 years ओल्ड एंड अप है यार, फिलिस मद्रास ओके चैम्पियनशिप जा रहा है ये। तो यार इसमें भी देखो यार 10,59,598 का कप है, बहुत बड़ा, ये भी 10 लाख का, तकरीबन 10-11 लाख का कप है। और इसमें मुझे जो टॉप टू हॉर्सेस समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 4। देखो यार हॉर्स नंबर 4 जो है ये आपको सबको पता होगा, ये बड़ा घोड़ा है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में कभी आया नहीं है, तो मुझे लगता है यार काफ़ी टाइम के बाद भाग रहा है, तो विजय सिंह ने इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी तैयार किया है, मुझे ऐसा लगता है ट्रैक भी वैसे ही दिया है। तो शॉर्ट डिस्टेंस तो गया नहीं है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैक प्रिपरेशन के हिसाब से 4 को दे रहा हूँ, वरना हॉर्स नंबर 3 सेम डिस्टेंस में रेडी है। तो आप 6th रेस जो है ना 3 एंड 4 पे ही फोकस कर सकते हैं। यार 7th रेस यार 2000 meters ओके चैम्पियन कप है यार, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है हैंडीकैप, ये भी यार ये देखो हाई हैंडीकैप रेस, हायर हैंडीकैप रेस कहते 13,97,998 रुपीस का कप है यार, ये भी बहुत बड़ा कप है ओके। तो मद्रास रेस क्लब चैम्पियन कप है, तो इसमें मुझे जो टॉप टू हॉर्सेस समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 2। यार ये सब घोड़े को जब कंपेयर करते हैं 7th रेस में तो 5 घोड़े भाग रहे हैं, लेकिन मुझे ये 2 घोड़े ही टॉप लग रहे हैं। तो आप जो है 1 को लेकर चल सकते हैं, वेट अगर ज़्यादा भी है तो मुझे लगता है 1 ही डोमिनेट करेगा, अगर वो छूटता है तो हॉर्स नंबर 2 जो है विन के करीब जाएगा। तो 7th रेस में 1 एंड 2 यार 8th रेस 2400 meters टर्म्स इंडियन फिल्ली 4 years old ओनली ग्रेड 2 की है, ये कब देखो यार 24,49,500 रुपीस, एक रुपया इधर उधर नहीं किया यार ओके। तो इसमें भी देखो 6 घोड़े हैं, लेकिन मुझे जो टॉप टू हॉर्सेस समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 5। मुझे यार 2 एंड 5 समझ में आ रहा है, हॉर्स नंबर 5 तो फुल जो है ना गर्मी में है घोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम मारा है 1600 meters में राइट, लेकिन आज 2400 meters जाने का घोड़ा है यार, तो जाता नहीं जाता मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन हॉर्स नंबर 2 गया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी ब्रीड वाइज जो है लॉन्ग डिस्टेंस जा सकती है, तो ऐसा समझो कि अपसेट में 2 नंबर जो है 2400 meters जो है जा सकता है, तो अपसेट में हॉर्स नंबर 2 दे रहा हूँ एंड फेवरेट में हॉर्स नंबर 5 दे रहा हूँ। तो 8th रेस में 2400 meters ग्रेड 2 के लिए 2 एंड 5 यार 9th रेस आ जाओ 1200 meters क्लास 3 डिवीजन 2 की है, और इसमें मुझे जो टॉप टू हॉर्सेस समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 2। देखो यार 1-2 में रेस हो जाना चाहिए, हॉर्स नंबर 1 देखो यार ये क्लास का है, सेम क्लास का है, लास्ट टाइम इंटरफेरेंस हुआ है 113 बज में, जॉगी भी रिपीट हो रहा है, ये सेंटोनी रॉज को ही बिठाया है, तो मुझे लगता है यार टॉप रेटिंग इस क्लास का एंड टॉप वेट सेम डिस्टेंस एंड सेम जॉगी के हिसाब से ये घोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो 108 में जो है सेम डिस्टेंस जब मिलियंस में मारा है तो क्लास 3 में मारना चाहिए, तो हो सकता है ये क्लियर करे। एंड उसके जो ऑपोजिट मुझे जो घोड़ा लग रहा है वो है हॉर्स नंबर 2, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास क्लियर किया है, आज प्रमोशन में जा रहा है 100 meters मोर ले रहा है, तो लास्ट टाइम यस था, आज भी टवर को बिठाया है, तो मुझे 9th रेस 1-2 में लग रही है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।